अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अंबर इरफान। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त DIY सिंपल सा एक सीरम शेयर करूंगी। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, 100% मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ नहीं बालों में होने देगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के मौसम में जितनी गर्मी पड़ रही है तो ऑयलिंग करना बालों में बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी गर्ल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लगता है उनको कि ऑयलिंग करने से स्वेटिंग जाहिर है ज़्यादा होती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको आज बताना है बहुत ही ज़बरदस्त सा सीरम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, ऑलिव ऑयल चाहिए और एलोवेरा जेल चाहिए। ये दो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इनकी मदद से ही आप एक बहुत अच्छा सा सीरम तैयार करके घर में रख सकते हैं। जब भी आप यूज़ करेंगे उसको, आप उसके बाद देखिएगा कि आपके बाल कितने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव लगेगा। इसके अलावा ये बालों को ड्राई नहीं होने देगा। मसला ये है कि अगर ऑयलिंग आप नहीं कर पा रहे या ऑयलिंग कर भी रहे हैं तो उसके अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। बनाने का मेथड जो है बहुत इजी है और बहुत ही सिंपल है। तो जब तक कि मैं आपको बनाना बताती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि जितना आपने बनाना है उसके मुताबिक आप क्वान्टिटी लेंगे एलोवेरा जेल की। मेरे पास ये 2 से 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल के हैं, तो अब मैं इसके मुताबिक ही इसमें ओलिव ऑयल ऐड करूँगी। आपने इसकी 2 से 3 टेबलस्पून, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो उसमें आपने 1 टेबलस्पून फुल तकरीबन, या 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, 1 से 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें ओलिव ऑयल का ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तीसरा मैंने इसलिए कहा कि अगर आप इसमें एवियन का कैप्सूल भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन जितनी गर्मी है मत कीजिएगा, उससे थोड़े से बाल थोड़े ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं, तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा। इन दो इंग्रेडिएंट्स को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपके लिए एज ए कंडीशनर भी काम करेगा और एज ए सीरम भी। करना क्या है, आपने इसको यूज़ बहुत ईजी तरीका है। आप इसको चाहे बालों को वॉश करने से पहले आप 1 घंटा इसको बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लें और उसके बाद आप वॉश कर लें, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। और अगर दूसरा मेथड, अगर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को इश्यू होता है ना बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी क्रीम बन गई है, बहुत ज़बरदस्त सी एक स्मूथ सा सीरम बन गया है, हमारा तैयार हो चुका है। आपने करना क्या है कि थोड़ा सा आपने इसको हाथ पे लेना है, जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं और इस मौसम में ऑयल लगाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, तो आपने इसकी क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी लेनी है और बालों की जड़ों से लेकर आपने बिल्कुल ज़रा सी क्वांटिटी ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी इसकी। आपने थोड़ा सा लेकर, तो बालों की जड़ों से लेकर आपने लेंथ तक बालों में, बिल्कुल जब आपके बाल वेट हों, आपने मतलब नहा के बाहर आए हैं तो आपके बालों को आपने टॉवल यूज़ करने से पहले ही आपने इसको अच्छे से आप पूरे बालों में आपने अप्लाई कर लेना है इसको, और एंड देन आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत आपके बाल सॉफ्ट कर देगा, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं आएगी, आपके बाल सॉफ्ट भी रहेंगे और शैम्पू का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं और ऑयलिंग नहीं कर पा रहे तो आपके बालों में कुछ नहीं रहता, बाल बिल्कुल ड्राई होने लगते हैं, टाइम के साथ साथ उतरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ कि आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत है चलने फिरने के लिए, इसी तरह हमारे बालों को भी खुराक की ज़रूरत है। तो आपने करना क्या है, ये सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ईजी है, बनाने में भी आसान है, लगाने में भी आसान है, तो आप इसको बनाकर रख लें और यूज़ करें, इसको डेली यूज़ करें। बच्चियों को भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपके बच्चियों के भी बाल लंबे हैं आप उनके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। लेंथ में, उनके बालों की लेंथ में लगाइएगा और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ना ही आप लोग वीडियो को देखते हैं पूरा और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।